कुछ लोगों को दाता साहब पे जूते पड़े, और सिर्फ दाता साहब ही नहीं, और ना मैं वली हूं कि मेरी करामत है, और ना मैं गैब जानता हूं, लेकिन अगर ये वापस ना आए इन्हें गली गली पड़ेंगे, क्योंकि दाता साहब से शुरू हुआ काम। अब पिछली रात जलसा था तो हर एक मातम कर रहा है, जो करवाया है जलाली ने करवाया है, सारा कसूर जलाली का है, सब कुछ इसने करवाया है। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा क्या किरदार है, मैं सीने पे हाथ रख के उसका इतराफ करता हूं, लेकिन आगे फैसला तुमने करना है कि जूते किसने मारे हैं, किसने मरवाए हैं। एक बंदा तुम्हारे सामने कई सालों से, जब भी तुमने उसको देखा, पहरेदार देखा, दीनदार देखा, हाजी देखा, नमाजी देखा, तहज्जुद गुजार देखा, अल्लाह सबको महफूज रखे, वक्त आया वो बंदा फिसल गया, कहीं अंधेरे में वो बदकारी कर रहा था, कहीं अंधेरे में वो चोरी कर रहा था, कहीं अंधेरे में वो कोई गुनाह कर रहा था, और समझता था कौन देख रहा है मुझे, अंधेरा है, अंधेरा है, मेरे बारे में जो लोगों का नजरिया है डैमेज नहीं होगा, मुझे अब भी वो मुहद्दिस मानेंगे, अब भी मुनाजिर मानेंगे, अब भी परहेजगार मानेंगे, क्योंकि मेरा इतना लंबा किरदार है, क्या परवाह है मुझे। मगर हुआ ये कि जहां अंधेर नगरी समझ के वो सब कुछ कर रहा था, अचानक किसी ने बल्ब जला दिया, वो रंगे हाथों पकड़ा गया, दुनिया हैरान रह गई, ओ जिसको हमने इतना सूफी समझा हुआ था ये ऐसा है, वो जिसको हमने इतना बड़ा पहरेदार बनाया हुआ था ये इतना बड़ा डाकू है। बल्ब जलते ही लोगों के तेवर बदल गए, जो पहले हाथ चूमते थे उन्होंने लित्र परेड शुरू कर दी, इन बंदों को जो फौरन कोई कुल्हाड़ा लेके दौड़ा, कोई डंडा लेके पड़ा, किसी ने जुबान से मुर्दाबाद कहा, किसी ने उसे जानी और बदकार कहा, अब इसमें किसका दखल है। असल सबब तो वो खुद सूफी, वो खुद परहेजगार है कि जिसने लोगों के यकीन को ठेस पहुंचाई, जो सारी उम्र लोगों को औरों से लड़ाता रहा कि जो ऐसा करे उसे जूते मारो, लेकिन जब खुद लोगों ने वैसा करता पकड़ लिया तो अब ये तो फितरी बात है कि लोगों को तो गुस्सा आना ही था, लोगों ने तो मुश्तहिल होना ही था, लोगों का ये अंदाज एक फितरी तकाजा था, ये तो बड़ा डाकू है, मुजरिम है, इसने हमें धोखे में रखा। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इस अंधेर नगर में उसने मुझे बल्ब लगाने की तौफीक दी। उससे गंजे बख्श से पहले मैंने 3 सेमिनार करके कशफुल महजूब से दाता साहब के अकीदे बताए, ये छपा की हुकूमत को दिए, और हुकूमत से मुतालबा किया कि जिनके अकीदे में दाता साहब काफिर बनते हैं वो क्यों मुंह उठा के दाता साहब पे आते हैं। दाता साहब अबू तालिब का ईमान नहीं मानते, कशफुल महजूब में लिखता है, और जो कहे कि अबू तालिब का जो ईमान ना माने वो काफिर है, उसने दाता साहब को काफिर कहा, तो फिर किस मुंह से दाता साहब आया, ये एक मिसाल है।
लिहाजा बटन मैंने दबाया, बल्ब मैंने लगाया, बल्ब मैंने जलाया और आगे मैंने हुकूमत को कहा ये आईना देखो और आने वालों के अकीदे देखो। और सिर्फ ये नहीं, दाता साहब की जो पूरा अमला है, डायरेक्टर हो जो कुछ सबसे इस अकीदे पर हलफ लो जो दाता साहब का है, वरना उनको खतीब हो इमाम हो वहां से फारिग करो। अब बटन मैंने दबाया, गुस्सा आवाम को फिर इतना था कि यही मिले सही यही पारी है कि सारी जिंदगी तुम जिनको गंद कहते रहे, जहन्नम का कुत्ता कहते रहे, तुमने उनसे जफियां क्यों लगाई? गुस्सा था लोगों को कि हमारी रिश्तेदारियां उन्होंने छुड़ाई, हमने पद अकीदा अपने मामू चुच्चे इनके कहने पर छोड़े और ये चंद टकों के लिए उन्हीं गटरों में जा गिरे। ये एक फितरी ईमानी अंदाज था आवाम में। तो बटन मैंने क्यों दबाया कि सरकार ने ड्यूटी लगाई है, जो हदीस मैंने पढ़ी कि सिर्फ बड़ा आलिम होना काफी नहीं, सिर्फ बल्ब वाला होना काफी नहीं, सिर्फ होल्डर में बल्ब फिक्स करना काफी नहीं। जब अंधेरे छा जाए और चोर चोरी में लगे हुए हो तो ऐ दीन के पहरेदार बटन दबा दे। मैंने दबाया अल्लाह के फजल से। और मैं उन लोगों को भी कहता हूं जो आज बड़ी मुसलिहाना तकरीरें कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। एक टोला है जो रफ्जी बन गया, दूसरा वो है जो रफ्जियों का सहूलतकार है, और तीसरा वो है कि जब वारदातें होती हैं फिर तो चुप करके बैठे रहते हैं। चोरी होती है लोग आके रोते हैं कुछ करो कुछ करो। तुम जो शेखुल हदीस हो, इतने बड़े दारुल उलूम की मसनद पे हदीस पढ़ाते हो, बोलो ना, पता जो तुम्हें है चोरी हो रही है। वो कहते हैं नहीं, सेहत हमारी नहीं ठीक, बस हम मजबूर हैं। तो अपनी मजबूरी की बुनियाद पर दूर से बेवफाई करने वालों, आज अपनी मजबूरियों पे पर्दे और डालते हो। अगर रद्द करते हो इस वाक्य का तो हुआ क्यों? अंधेरे में चोरी हो रही थी, कौन बेहतरी हो रही थी? बहुत सख्त डाका डाला जा रहा था, गूंगे पीर, गूंगे शेखुल हदीस, गूंगे मुफ्ती और नाम निहाद दानिशवर, जो आज कहते हैं दाता का तकद्दुस पामाल हुआ। मैं कहता हूं जब दीन लुटा, तुम्हारी जुबानों के तारे क्यों ना खुले? तुमने अमर बिल मारूफ और नहय अनिल मुनकर का फरीजा क्यों ना अदा किया? आज बल्ब जलने पर ये जो बिफर गए, ये उनके ईमान का तकाजा था, ईमान का तकाजा था। और अगर इस बात पर भी किसी पीर को कोई शक है या किसी शेखुल हदीस को, तो मैं उसका जुर्म उसके मुंह पर साबित करूंगा कि तुम अपनी इज्जतें बचाकर चुप करके बैठे हो और दीन लुट रहा है। और जब आम सुन्नी उठ के खड़ा हो गया है दीन पे पहरा देने के लिए और तुम मते देने शुरू हो गए हो, ऐसी मते उस वक्त दो जब चोर चोरी करने लगे तो उसके हाथ पकड़ो। अगर आवाम हाथ पकड़े तो कम अज कम इनकी टांगे तो ना खींचो। ये वैसे नहीं उन्होंने पकड़े, मजबूर हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं।
और मजबूरी की हालत में हदीस में है, सियासिता में है। मेरे आका ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो और इतने में कोई आगे से गुजरने लगे, उसको हाथ आगे करके रोको कि वो आगे ना गुजरे। समझ रहे हो ना, वो कुतिन को गाली नहीं दे रहा, वो कोई नमूस सहाबा पे हमला नहीं कर रहा, वो कोई नमूस अलबैत पे हमला नहीं कर रहा, सिर्फ नमाज के तकद्दस पे हमला है कि सजदे की जगह से क्यों गुजरता है, आगे हाथ करके रोको। सरकार फरमाते हैं अगर वो ना रुके फिर रोको, फिर भी ना रुके उसको थप्पड़ मारो, वो शैतान है। ये हदीस है। तो नमाज में सिर्फ आगे गुजरने वाला उसको सरकार ने शैतान कह दिया, और इधर नमाजी को नमाज में कैसे रसीद करो थप्पड़। यार के सूफियों क्या कहोगे कि मस्जिद का तकद्दस बर्बाद हुआ, क्या कहोगे कि बहुत बड़ा आलिम फाजिल था आगे गुजर रहा था तो शैतान क्यों कह दिया। तो इस वास्ते होश से बोले, बटन दबाया आ गया, जुर्म उनका है जो चोरी कर रहे थे, जिन्होंने जो कुछ किया ये उनका ईमान था। लेकिन बहुत से आज छोटी छोटी डटियां और बड़े बड़े मेंढक फरेब खुर्दा बुजुर्ग से ज्यादा नसीब अवामे अहले सुन्नत को कोस रहे हैं। सलाम करो उन अवामे अहले सुन्नत को जिन्होंने उठ के लब्बैक का नारा ही लगाया और क्या किया। लब्बैक के नारे से जो जले वो यजीदी होता है, या रसूल अल्लाह से जो जले वो नारी होता है। और यहां कुएं को मीनार और मीनार को कुआं कहा जा रहा, लिहाजा अवामे अहले सुन्नत अपने फरीजे पे कायम रहे। जब तक ये लोग मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के फतवे पर अमल नहीं करते हर दर्श का मुआवजा होगा, हर मदरसा नामों में जामिया रिजविया रखा हुआ है, नस्ल दर नस्ल रजा के नाम पे खा रहे हैं। और अब जब रजा को कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, रजा के पाले हुए कुत्तों ने, तो ये अब चुप करके बैठ गए या उन गजूर सुनियों को पाल कर रहे हैं। नहीं, अपनी खैर मनाए जो उठे हैं अहले सुन्नत गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो ऐ रफ़ी पीरो हर दरबार हमारा है।